हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नैसा जेई नीट। आप सभी का हमारे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का छोटा सा यानी शॉर्ट इंट्रो दिया था। शॉर्ट इंट्रो में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और यह आया कहाँ से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है किसका, बॉडी का, दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स। जो क्या करता है, फोर्स को प्रोड्यूस करता है। विच टाइप ऑफ फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा और रिपल्सिव होगा। कब अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा, ये भी हमने वहाँ पर देखा। और इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट जो है एटम से आया, हमने ये भी देखा कि कैसे एटम से आया। फिर इसके बारे में हमने थोड़ा सा क्वांटाइज के बारे में बताया वहाँ पर। फिर उसके बारे में हमने ये बताया कि किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन से बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा। उसके बाद हमने चार्ज का जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के बारे में बताया और उसके मास के बारे में बताया। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे सीधे टू द पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डिले न करते हुए चलिए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर बात करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। तो चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब बताओ, पूछोगे कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी कैसे है, तो मैं आपको बता दूं, फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसे मेजर किया जा सकता है, विच कैन बी मेजर्ड। क्लियर। अब फिजिकल क्वांटिटी मीन्स ये भी होता है कि जो क्वांटिटी का यानी जिस क्वांटिटी का स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या था, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये होता है कि फिजिकल क्वांटिटी तो है, बट विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कौन से फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये फिजिकल टाइप क्वांटिटी के स्केलर टाइप का है। कौन सा है, तो स्केलर टाइप का है। स्केलर टाइप मतलब विच स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता है। तो 11th क्लास में आप अच्छे से पढ़े होंगे कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। तो चलिए आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो हम आपको बोल दें कि 600 BC पहले एक ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑफ मिलेटस थे, जिन्होंने ये बताया कि एक एम्बर यानी इसको हिंदी में आप अंबर भी बोल सकते हैं, इसके पास एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। कैसा गुण होता है, जब इसको फर के साथ रब किया जाता है तो इसके अंदर एक एबिलिटी आ जाता है। क्या चीज़ का, तो छोटे छोटे वस्तु को अट्रैक्ट करने का, क्लियर। और इसी कॉन्सेप्ट को सैकड़ों साल तक आदमी ने जाना और इसी पे काम करते रहा कि नहीं, अंबर में जो होता है एक प्रॉपर्टी आ गया, क्या करने का, तो अट्रैक्ट करने का। किसको अट्रैक्ट करता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को। क्लियर। अब बात करते हैं छोटे छोटे यानी हल्का ऑब्जेक्ट को, लाइट ऑब्जेक्ट को। क्लियर। ये सैकड़ों साल तक आदमी के दिमाग में रहा कि ये घटना है और ये इस घटना को बोलते हैं यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एम्बर, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद ये तो सैकड़ों साल तक आदमी जाना, इसके बाद जो है इलिजाबेथ टाइम का बात करते हैं हम लोग। इलिजाबेथ टाइम में क्या हुआ, एक इंग्लिश फिजिशियन थे, उन्होंने कहा इलिजाबेथ टाइम का समय में। इसके बाद पहला कॉन्सेप्ट थेल्स मिलेटस ने दिया, उसके बाद जो है विलियम गिलबर्ट आए, उन्होंने कहा कि इस एम्बर का जो ये प्रॉपर्टी होता है उसको उन्होंने कहा कि इसे इलेक्ट्रिक बोलते। क्या नाम दिया, तो इलेक्ट्रिक का नाम दिया। किसका नाम दिया, तो इलेक्ट्रिक का दिया। किसको, तो फॉर द ग्रीक वर्ड। और ये इलेक्ट्रिक वर्ड आया कहाँ से, तो भाई एम्बर से आया, यानी अंबर से आया। क्लियर। अब इससे उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, तो बोला क्या कि ये जो मेंशन इफेक्ट था कि एम्बर को यदि फर से रब किया जाता है तो उसमें एक एबिलिटी आ जाता है, प्रॉपर्टी आ जाता है, क्या चीज़ का, अटैक करने का। किसको, तो लाइट ऑब्जेक्ट को। क्लियर। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ एम्बर में ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल हैं, जिसमें ये प्रॉपर्टी होता है। क्लियर। तो यहाँ तक फिर आदमी ने एक नया कॉन्सेप्ट देखा, इसके बाद कुछ दिन इसी पे काम चला। उसके बाद 1733 में, कब, तो 1733 में फ्रेंच केमिस्ट सी एफ ड्यूफे ने क्या डिस्कवर किया,
इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक के बारे में बताया उसे वो क्या बोला, एक दुनिया दे दिया। इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे चार्ज और सिटी मतलब होता है दुनिया। तो यहाँ इलेक्ट्रिक उन्होंने इलेक्ट्रिक को क्या बोला, एक दुनिया बोला। वो दुनिया क्या था, इलेक्ट्रिसिटी। बोला कि इलेक्ट्रिसिटी में जब अंबर को फर से रगड़ा जाता है तो उसमें जो प्रॉपर्टी आ जाता है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी। और जो है जब ग्लास को, फिर उन्होंने कहा जब ग्लास को एक सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो उसमें जो प्रॉपर्टी आ जाता है उसे विट्रस प्रॉपर्टी या विट्रस इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर। ये कौन बोला, तो फ्रेंच केमिस्ट सी एफ ड्यूफे। कब बोला, तो 1733 में। तो चलिए आगे इससे बात करते हैं। और यहाँ तक हमने देखा, अब इसके आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो रिपेल करेगा किसको, तो सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसको रिपेल करेगा, तो सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो एक ही जैसा इलेक्ट्रिसिटी होगा, या रेजिनस होगा रेजिनस के साथ, या विट्रस होगा तो विट्रस के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और उन्होंने कहा जो डिफरेंट होगा, रेजिनस और विट्रस यदि एक साथ है तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या बोलेगा, करेगा तो रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सेम काइंड का रहा तो रिपेल करेगा और डिफरेंट काइंड का रहा तो अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद उन्होंने कहा ये जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये जो क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है किसके कारण, तो ड्यू टू फ्रिक्शन। उन्होंने क्या बोला, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कब, तो फिर इन 1752 यानी 1752 में फर्स्ट अमेरिकन साइंटिस्ट कौन थे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन फर्स्ट अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1752 में बोला, क्या बोला कि इन्होंने बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है साइन ऑफ कन्वेंशन इन इलेक्ट्रिसिटी, यानी इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का साइन के बारे में बताया, उसके साइन और साइन कन्वेंशन के बारे में बताया। इन्होंने बोला कि ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, ये टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव टाइप का होता है जिसे विट्रस के नाम से जाना जाता है, या विट्रस को आप पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, और निगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या होगा, वो रेजिनस के नाम से जाना जाएगा। इन्होंने भी वही बात बोला जो इससे पहले सी एफ ड्यूफे ने कहा कि लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्लियर। मतलब एक जैसा जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और डिफरेंट जो होगा भिन्न जो होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने का एक और कॉन्सेप्ट दिया जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इन्होंने बोला कि एक आइसोलेटेड बॉडी है या कोई भी बॉडी है उस पर जो होगा टोटल जो चार्ज होगा वो उसका सम जीरो होगा, यानी वो रिमेंस कॉन्स्टेंट होगा। क्या होगा, रिमेंस कॉन्स्टेंट होगा। ये कौन बोला, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कब बोला, तो 1752 में। क्लियर। ये था हमारा चार्ज का हिस्ट्री। इसके बाद बहुत सारे जो है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट हुआ, तो चलिए कुछ के बारे में हम आपको बता दें। तो पहला जो हो गया, अब देखिए सबसे पहला जो हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर बना। क्या बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। कब बना, तो 1660 में बना। कौन बना, ऑटो वान ग्यूरिकी ने 1660 में क्या बनाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर बनाया। क्या बनाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ये सब पॉइंट आपको नीट में, जेई में, या और भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर 1675 में रॉबर्ट बॉयल ने क्या बताया कि सो चार्ज इफेक्ट वर्किंग इन वैक्यूम। हाँ, वैक्यूम में, यानी जहाँ एयर भी ना हो वहाँ पे चार्ज का इफेक्ट के बारे में उन्होंने बताया। फिर 1729 में स्टीफन ग्रे ने डिस्कस किया इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में, जो कि आगे अगला टॉपिक जो होगा नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में। ये बहुत ही जल्द आ रहा है इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में। इसके बारे में किसने बताया, तो स्टीफन ग्रे ने। कब बताया, 1729 में बताया। तो चलिए यहां तक आप समझ ही गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और पॉइंट है जो लास्ट है हिस्ट्री का, ये कहता है रॉबर्ट मिलिकन
एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर्ड किया, क्या किया, तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इसको किसने बताया, तो रॉबर्ट मिलिकन ने। तो कब बताया, कैसे बताया, तो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान बताया, उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, क्लियर। तो चलिए बात करते हैं हम लोग, यहां तक हमारा हिस्ट्री था, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। किसके बारे में, तो डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने आपसे पहले ही बोला, अब बात आ रही है, आपको इसका जो हिस्ट्री होगा वो समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, ये होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बॉडी से जब दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। पहला ये पॉइंट है, जब एक बॉडी है उससे दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो वहां पे क्या होता है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो भी बॉडी चार्ज होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो भी बॉडी चार्ज होता है। ये हम आपने आपको पिछले क्लास में भी बताया और आगे भी हम बताएंगे, क्लियर, अभी भी आपको हमने बताया। अब चलिए आगे बात करते हैं, चार्ज जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, किसका, तो मैटर का, क्योंकि भैया चार्ज आया कहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, तो भैया एटम में रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो एटम में रहता है, और एटम कहाँ होता है, तो मैटर में होता है। तो चार्ज जो होगा किसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, मैटर का होगा, और ये क्या करता है, तो ये एक्सपीरियंस करता है क्या चीज़ का, तो फोर्स का, क्या करता है, फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, जब इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं। तो इस ये जो हमारा प्रॉपर्टी हो गया, इसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। चार्ज जो है वो क्या, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स वन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे, पहला हमने ये देखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा देखा कि एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है कहाँ पे, तो मैटर के अंदर। ये मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी दैट कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर। सेम बात आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पे, तो भैया इन साइड द मैटर, यानी मैटर में, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो प्रॉपर्टी विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक इफेक्ट यानी फोर्स को प्रोड्यूस करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, क्लियर। अब बात आ रही है आगे, देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। बार बार हम बने कर रहा है कि क्या है, तो मैटर का एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। आपको हमने इतना पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि एक पॉइंट आपको याद नहीं रहे, इसमें से अगर एक भी पॉइंट आपको याद रहे, तो आप एग्जाम में लिख सकते हो, आप है ना, किसी भी एग्जाम में उसको डील कर सकते हो, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये मैटर से संबंधित होता है ना, ये मैटर का प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस करता है, क्लियर। अब चलिए लास्ट पॉइंट जो है डिफिनेशन का, ये देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो कब प्रोड्यूस होगा, जब एटम डिस्टर्ब होगा। एटम डिस्टर्ब मतलब, इसका मतलब आप क्या समझते हो, जब उससे या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो वो एटम जो होगा डिस्टर्ब होगा। जब डिस्टर्ब होगा तो वो क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल के कारण जो है एटम जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, यानी उसका न्यूट्रलिटी खत्म होता है, क्लियर। ये जो चार्ज पार्टिकल होगा ये इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के निकलने से, इलेक्ट्रॉन के उसमें जाने से ही उसका न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होता है, क्लियर। तो ये हमारा था डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
आपको हमने इतने पॉइंट्स बताए, इसमें से अगर आप एक दो भी पॉइंट याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही मदद आएगा। अब चलिए बात करते हैं इसका सिंबल को। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है। किससे? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है। क्लियर? इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है उसे बोलते हैं कूलम। क्या बोलते हैं? कूलम। इसे सी से डिनोट किया जाता है। क्या बोलते हैं? कूलम। एक कूलम बराबर होता है एक एम्पियर इंटू वन सेकेंड। एक कूलम इक्वल टू होता है वन एम्पियर इंटू वन सेकेंड। क्लियर? क्लियर? क्योंकि यहां क्यू इक्वल टू आप आगे पढ़िएगा क्या होता है, आई इंटू टी। आई जो होगा इलेक्ट्रिक करंट होगा, टी जो होगा टाइम होगा, और क्यू जो होगा चार्ज होगा। क्लियर? यही से आता है एक कूलम बराबर वन एम्पियर पर वन सेकेंड। अब बात करते हैं ये जो कूलम है एसआई यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब इसके सीजीएस यूनिट के बारे में बात करते हैं। सीजीएस यूनिट को हम लोग स्टेट कूलम या एब्सोल्यूट कूलम भी बोलते हैं। स्टेट कूलम को स्टेट सी से डिनोट किया जाता है, या इसको और बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू, फिर इसको और भी बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ईएमयू। क्या बोलेंगे? ईएसयू या ईएमयू। अब देखिए इसके बीच का रिलेशन क्या होता है ईएसयू और ईएमयू का। वन कूलम इक्वल टू थ्री इंटू टेन पर पावर नाइन स्टेट कूलम और ईएसयू। एक कूलम बराबर इतना ईएसयू होता है या स्टेट कूलम होता है। एक ईएमयू बराबर कितना होगा? वन ईएमयू इक्वल टू होगा थ्री इंटू टेन पर पावर टेन ईएसयू या टेन कूलम होता है, और वन ईएसयू इक्वल टू होता है थ्री इंटू टेन पर पावर माइनस टेन ईएमयू होता है। ये रिलेशन होता है किसमें? तो स्टेट कूलम कूलम और ईएसयू और ईएमयू में। क्लियर? और अब बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन जो होता है, डायमेंशनल फार्मूला, वो AT होता है। A जो हो गया वो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन होता है, और T जो होगा टाइम का रिप्रेजेंट करता है, यानी टाइम का डायमेंशन होता है। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। क्लियर? क्यू इक्वल टू AT। क्लियर? तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने यहाँ पे इसके सिम्बॉल देखे, इसका यूनिट देखें और डायमेंशन देखें। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? तो दो टाइप्स का होता है। कौन कौन? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू से डिनोट करते हैं, और निगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से, या ई प्लस और ई माइनस से डिनोट करते हैं, या प्लस वी ई भी लिखते हैं और माइनस वी ई भी लिखते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज होता है गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल निगेटिव चार्ज। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में और जानते हैं क्या होता है। अब देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट इज द पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज द निगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं, और निगेटिव चार्ज को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज मीन्स होता है पॉजिटिव चार्ज इज द प्रोड्यूसेस बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी। यानी किसी भी बॉडी से यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है उस बॉडी पे कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए निगेटिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स पॉजिटिव चार्ज, आप ऐसे भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसे प्लस क्यू प्लस कैपिटल क्यू या प्लस स्मॉल क्यू या ई प्लस से डिनोट किया जाता है। दूसरा बात आता है, दूसरा जो है वो है निगेटिव चार्जेस। क्या है? निगेटिव चार्जेस। अब निगेटिव चार्जेस क्या होगा? तो भैया यहाँ देखो निगेटिव चार्जेस होता क्या है। निगेटिव चार्जेस इज प्रोड्यूस्ड बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू अ न्यूट्रल बॉडी। यदि किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उससे क्या बोलेंगे? निगेटिव चार्ज बोलेंगे। उस बॉडी पे कौन सा चार्ज होगा? तो निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ न्यूट्रल बॉडी। यदि कोई भी न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन का एक्सेस करता है तो उस बॉडी पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा, या इसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स निगेटिव चार्ज। इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होगा किससे? नंबर ऑफ प्रोटोन। इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये सब नीट सब में इस टाइप का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। क्लियर? इस ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो दो पॉइंट हमने बताया, पॉजिटिव चार्ज में नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो और जो है निगेटिव चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से इसके मास का भी कॉन्सेप्ट आता है। और जैसे कि आगे हम बताते हैं, पहले आप इस बता दें इसे डिनोट किया जाता है निगेटिव चार्ज को माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल माइनस क्यू और जो है ई माइनस ई पावर माइनस से। अब देखिए यहाँ पे मास का बात करते हैं, जैसे E प्लस है E माइनस है, ये पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल बॉडी है, यानी ये पहले न्यूट्रल बॉडी था, इसका मास M है। अब इसका इससे जैसे इलेक्ट्रॉन निकला यानी इसका मास क्या हो गया, M डैश हो गया, और इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया, इसका इलेक्ट्रॉन इससे निकला और इसमें गया, तो अब इसका मास हो जाएगा एम डबल डैश हो जाएगा। अब देखिए जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन के पास एक पार्टिकल है उसके पास मास होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकला तो यानी उसका मास भी उसके साथ जाएगा, इसका मतलब जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मास जो होगा न्यूट्रल बॉडी के मास से कम होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका जो मास होगा न्यूट्रल बॉडी से ज़्यादा होगा, एम डबल डैश ग्रेटर देन एम, और इसमें होगा एम डैश लेस देन एम। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। क्या बात करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम ई से भी डिनोट किया जाता है और ये होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ई निगेटिव से डिनोट करते हैं −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, कूलम जो होता है वो चार्ज का एसआई यूनिट होता है। अब बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन का, तो एमपी मध्य प्रदेश मत समझ लियो, इसको क्या होगा मास ऑफ प्रोटॉन, ये होगा 1.672 × 10⁻²⁷ kg। क्लियर। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया, इसे ई प्लस से डिनोट किया जाता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, जहां दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अब आप कहिएगा कि सर कैसे पता चलेगा कौन प्रोटॉन का चार्ज है कौन इलेक्ट्रॉन का, जहां आपको +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम दिखेगा वहां समझ जाइए प्रोटॉन का डिस्कस हो रहा है, प्रोटॉन की चर्चा हो रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज का चर्चा हो रहा है, जहां पे −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम दिखे समझ आइए इलेक्ट्रॉन का चर्चा हो रहा है, वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्कस हो रहा है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो Mn होगा, इसको Mn लिखते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है 1.674 × 10⁻²⁷ kg। क्लियर। और चार्ज जो होता है ये न्यूट्रल होता है, क्या होता है न्यूट्रल यानी दैट इज कॉल्ड जीरो, चार्ज क्या होता है जीरो होता है। क्लियर। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा मास किसका होता है इसमें, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे जो होगा सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, आप देख ही रहे हो कि न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है उससे थोड़ा कम है प्रोटॉन का मास, और उससे बहुत ही कम है इलेक्ट्रॉन का मास। इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे होता है, तो एटम के न्यूक्लियस में होता है, और जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। इसलिए किसी भी एटम का जो हम बोलते हैं या किसी भी बॉडी का कंसंट्रेटेड मास जो होता है ना, वो कहाँ पे होता है, तो उसके सेंटर पे होता है, क्योंकि सेंटर पे जो होता है मास ज़्यादा होता है, सेंटर पे जो होता है मास ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और दोनों का मास ज़्यादा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो आज के क्लास में हम लोग ने क्या देखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज का हिस्ट्री देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट डायमेंशन देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स को देखा, और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स था इसके बारे में बात किया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, इसके अगला जो पॉइंट होगा उसको लेकर के आएंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, या मेथड्स ऑफ चार्जिंग से पहले हम आपको लेकर आएंगे इंसुलेटर और कंडक्टर। आज का ये क्लास यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इस हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, दैट्स ऑल।